मंडल को ठाकुर अरे तीनों माखन चुराया। और जब ब्रज में माखन चुराने जाते हैं तो कन्हैया पकड़ जाते हैं, ग्वाल बाल भाग जाते हैं। श्याम सुंदर पकड़ जाते हैं, ग्वाल बाल भाग जाते हैं। यूं ही लीलाएं भगवान की चलती रहीं। और ये 501 रुपया हमारे पास आए हैं श्रीमान मनोज यादव। मनोज यादव 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और साथियों को 20-20 रुपए दे रहे हैं। भैया मनोज यादव की तरफ से ये पुरस्कार आया है, भगवान सुख शांति देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। बोलिए गोविंद भगवान की। बताया है श्री सुखदेव ने, श्याम सुंदर ने जिस समय ग्वालों से कहा है कि मनसुख भैया आज कहां चलोगे, तो मनसुखा बोलो देखो श्याम सुंदर आज हम कहीं नहीं चलेंगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे ही नहीं। कन्हैया बोली क्यों? मनसुखा बोला सुन समरिया, मनसुखा कहने लगा घनश्याम हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे और जाएंगे तो किसी दूसरे के घर नहीं जाएंगे, चोरी करना अच्छी बात नहीं। नाला तीरधारी तू कैसो बलियो जो विश्व उखाड़े देता है
मनसुखा बोला है घनश्याम हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कन्हैया से कहीं और जाएंगे तो किसी दूसरे के घर नहीं जाएंगे। आज हम तेरे साथ चलेंगे और तेरे घर में ही चलेंगे। इधर उधर रोज तू ले जाता है, आज तेरे घर में। श्याम सुंदर कहने लगे यदि ये बात है तो ठीक है, आज हम अपने ही घर ले चलेंगे। कन्हैया सब ग्वालन को लेके अपने ही घर में जब चले गए और मुसीबत बहरे जो शीला के घर में रहे माखन बड़े ऊंचे पे रखो रहे सो मनसुखा कान लगो ले हम तो जानते थे कि शीला बड़ी चालाक है लेकिन तेरी मैया बहुत ज्यादा चालाक है। अरे हम लोग कितने छोटे हैं और माखन कितने ऊंचे पे रखो है। कन्हैया बोले मनसुख भैया आज हम किसी को नीचे नहीं ले जाएंगे, आज किसी को नीचे नहीं ले जाएंगे, आज सबको ऐसे ही माखन खवाएंगे। श्याम सुंदर ने एक लाठी उठाई और लाठी उठाए के मटुकिया में मारी हुआ ऐसा अरे मारी छड़ी तो फोरी सी के की सुंदर ने मटुकिया में लाठी मारी परिचित जी मटुकिया में सूरा कर दो और जब माखन आन लगो है मटुकिया से सब ग्वाल बाल माखन खान लगे सोई मनसुखा हसन लगो। मनसुखा बोलो श्याम सुगा श्याम सुंदर तो मन सुगा दही भी खाता है और बातें वो करता जाता है। अरे लाला चोरी का करना तो घर ही में सीखा जाता है। ए श्याम सच है इधर उधर जाने से अच्छा अपने घर का ही माखन खाया करो।
खाला आज खवाया माखन हम बादल की बात भूल गया बादल का बात तो तू अरे आज खवाया माखन हमको बादल कहे सगला भगवान कन्हैया से मनसुखा बोला तो श्याम सुंदर से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे है माखन खा रहे है तोले मैया यशोदा में से आई यशोदा मैया को आवत हो देखो सब ग्वाल बाल तो वहां से भाग गए ग्वाल बाल जब वहां से भागे और मैया यशोदा ने झपट के कन्हैया की कलाई पकड़ ली माँ यशोदा श्याम सुंदर से पूछने लगी है लाला ये मटकियां कैसे फूट गई कन्हैया से माँ यशोदा ने जब सवाल किया है ये मटकी कैसे फूटी है तो श्याम सुंदर बहाना बनाने लगे हैं यशोदा मैया से कि मैया जी मटकियां हमने ना फूटी यशोदा बोली तूने मटकी नहीं फोड़ी फिर मटकी फूटी कैसे तो घनश्याम बोले हैं भैया अरे मेरी बात सुन ले बोले हैं मुरलीधर श्याम सुंदर हम सदा ग्वाला